अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश। अच्छा, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुर्गी के मैंने बच्चे निकलवाए थे और गिनी फॉल के निकलवाए थे, तो उसके बाद से फिर मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो है मुर्गी के जो बच्चे निकले हैं ये गिनी फॉल के, तो उनका क्या हिसाब किताब हुआ है ये चीज़। तो कल रात को यहाँ पर जो है बारिश हुई है और ये देखें, और जब मुर्गियाँ होती हैं या तीतर होते हैं आपके पास, तो वो जो है जब कूड़ा आप इकट्ठा करके भी रखते हो तो फिर भी जो है वो पंजे मार के सारा जो है सब फैला देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है इन्होंने सही सिस्टम किया हुआ है कि इन्होंने सारा जो है फैला दिया है, ठीक है। तो ये है मुर्गी, वो जिससे मुर्गी के अपने बच्चे निकाले थे इसने, और बच्चे ये देख लें आप, आओ 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 आओ। तो बच्चे जो है इनके माशाल्लाह से इतने बड़े हो चुके हैं। टोटल इसके बच्चे निकले थे 15, जिसमें से 2 जो है मर गए, और 13 माशाल्लाह से जो है बड़े हो रहे हैं और अच्छी ग्रोथ वगैरह कर रहे हैं, और उनका मतलब जो है ये देखें काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो ज़्यादातर मुझसे जो लोग पूछते हैं वो गिनी फॉल के बच्चों का पूछते हैं, तो गिनी फॉल के बच्चे इस मुर्गी ने निकाले थे। ये आपको ये रही वो ब्लैक मुर्गी। तो गिनी फॉल के बच्चों में से जो है टोटल निकले तो काफ़ी सारे बच्चे थे, लेकिन जो है ऐसा ऐसा मरते गए, क्योंकि इस दफ़ा जो है जो फीड मैं इनको डालता था वो फीड मुझे मिली नहीं, और जो फीड मिली थी उससे उसका कुछ खास रिज़ल्ट मुझे नहीं नज़र आया कि ना इनकी कोई ख़ास ग्रोथ हुई है ना कुछ हुई है। तो इन बच्चों ये बच्चे भी हैं, लेकिन इसमें एक दो जो हैं वो सही एक्टिव और हेल्दी हैं, बाकी जो है वो थोड़े वीक ही हैं। अब जैसे जैसे बड़े होंगे तो बेहतर होगा, लेकिन शुरू का जो आपका एक मंथ होता है उसमें जो है आपको फीड देना लाजमी होता है, तो फीड नहीं मिली मुझे, जिसकी वजह से बच्चों इस तरह नाजुक हैं। एक बच्चा वो वाला है जो फुल हेल्दी है आपको नज़र आ रहा है, और बाकी जो तकरीबन हैं वो सारे वीक ही हैं। तो गिनी फॉल जो है अभी भी अंडे दे रही है, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैंने जो है उससे बच्चे नहीं निकलवाए। उसके बाद जो है ये रहा मस्कवी का पेयर, मस्कवी ने भी दोबारा से फिर से अंडे दिए, और अभी जो है फिर वो अंडे हमने खा लिए, उस पर मस्करी को हमने नहीं बिठाया। तो जो है अभी ये फिर भी कुड़ोक हुई भी है, उधर बैठी होती है अभी प्रॉपर, इसकी कुड़ोक नहीं टूटी, तो मैं भी जो है कुड़ोक टूट जाए, लेकिन अब अगर कुड़ोक टूट भी गई तो फिर ये अंडे अगर देगी तो फिर उसके बाद ये मोल्टिंग भी चली जाएगी, ठीक है। और ये वाला गिनी मस्करी का जो मेल है, ये मेरे पास जो पहले मेल था उसके ऊपर दरख्त गिरा था, तो वो जो है लंगड़ा हो गया था, फिर वो बात में मजबूरन हमें ज़िबा करना पड़ा, वो ठीक नहीं हो सका। तो ये फिर मैं एक्सचेंज करके लाया था वाइट कलर का, एक और मैंने फ़ीमेल ली थी और एक बंदे को चाहिए थी, उसको फ़ीमेल लेके उससे फिर मैंने ये मेरे ही घर का, मतलब जो मेरे बड़े पैर थे उनका ही बच्चा है, घर इसी घर की ब्रीड है, लेकिन किसी और के पास था, एक बंदे के पास गाँव में इधर, तो उनको मैंने दिए थे, तो उनसे जो है फिर मैं एक्सचेंज करके लाया हूँ वाइट वाला, ठीक है। तो ये देखें, ये भी अभी पैर वगैरह ख़राब हुए हैं, लेकिन जब ये आया था तो इसकी बहुत बुरी हालत थी, जहाँ पे ये था वहाँ पे वो सही, मतलब कोई उनका ख़ास ख्याल या उस तरह वो नहीं होता था। तो अभी पहले से काफ़ी जो है अच्छा हो चुका है, और इंशाल्लाह जो है अब आगे जब मोल्टिंग ये क्लियर करेगा तो फिर बहुत प्यारा जो है बन जाएगा। तो साइज़ वाइज जो है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है अब, लेकिन जब आया था तो बहुत कमज़ोर था। और ये देखें, ये कुड़ोक बैठी हुई है, और एक ये बात कि गिनी फॉल का मेल जो है, गिनी फॉल ने भी उधर ही अंडे देने होते हैं, तो वो मेल इसको मार के वहाँ से उठाता है ताकि जो है गिनी फॉल फीमेल जो है वहाँ पे बैठ के अंडे दे। तो इस वजह से जो है इस बेचारी की बुरी हालत हुई भी है, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं, इनको जितना छुड़ा लो, लेकिन बाद में फिर जब मैं सामने नहीं होता तो इन्होंने लड़ना है। तो ये देखें गिनी फॉल के बच्चों को जो देखना चाहते थे, ये रहे गिनी फॉल के टोटल 6 बच्चे हैं, और 6 में से बस एक दो जो हैं वो अच्छे हैं, बाकी जो है थोड़े वीक ही मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखें अब अल्लाह खैर करे इनकी ज़िंदगी हुई तो बड़े हो जाएंगे। और ये चीज़ बाकी इन दिनों में जो मैं इनको गीली रोटी डाल रहा हूँ, साथ में गंदम के दाने वगैरह भी डाल रहा हूँ, बाकी जो सालन वगैरह या कुछ इस तरह का बचा हुआ होता है वो जो है हम इनको डालते हैं, ठीक है। तो बाकी मुर्गी उस तरफ चली गई है, तो इनकी ग्रोथ जो है इस दफ़ा का रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा इनका रिज़ल्ट, ये देखने वाला कि ये बस एक पीस जो एक फीमेल के आगे आगे चल रहा है बड़ा सा, वो आपको नज़र आ रहा है, वो एक हेल्दी है, बाकी एक ये वाला है पीछे, लेकिन बाकी कोई ख़ास इनका जो है वो नहीं। और ये जो दो पीस आपको नज़र आ रहे हैं ये बड़े हैं, ये फर्स्ट क्लच वाले हैं, और जो ये बाकी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ये जो उस मुर्गी ने खुद निकाले थे वो वाले हैं। और ये बात है, ठीक हो गया। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, अभी से रूटीन फिर जो है पकड़ रहा हूँ ताकि जो है रोज़ाना की अपडेट दे सकूँ।
जो अब साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में मैंने जो बर्ड्स रूम में मैंने और जो चीज़ें ऐड की हैं गोल्डियंस वगैरह, इंशाल्लाह जो है मैं उनकी वीडियोस वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ यहाँ पे ये मज़े की है कि ये खुली जगह है, और मतलब यहाँ पे काफ़ी जो है घास वास और मतलब इस तरह होता है, तो ये खाते पीते हैं इधर, और मतलब ये पंजे मारा मुर्गियों को, स्पेशली मुर्गियों और तीतरों को जो है आदत होती है पंजे मार के कोई कीड़ा मकोड़ा खाना, तो उसके लिए ये जगह जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो है ये काफ़ी इस तरह करते हैं, और इन दिनों में ये सावन का महीना है तो बारिशें होती हैं, ये होता है, तो मतलब हर जगह कोई ना कोई सीख लग जाएगी, दीमक जो होती है वो होगी, या इस तरह मतलब जो है काफ़ी जो है ये खाते पीते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है बड़े हो चुके हैं ये काफ़ी सारे, और इनको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने हो चुके हैं, और ये चीज़ तो अब ये फ़ीमेल्स जो अभी बच्चों को सही से पाल रही हैं। ये एक फ़ीमेल मुर्गी जो है अच्छी है, इसका ये फ़ायदा है कि ये ना गिनीफॉल के बच्चों को मारती है और दूसरे जो उसके अपने बच्चे हैं, लेकिन वो मुर्गी अब गिनीफॉल के बच्चों को तो कुछ नहीं कहती, वो उसने खुद निकाले, लेकिन मुर्गी के बच्चों को मारती है, तो ये वाली सबका ख्याल रखती है, लेकिन वो सिर्फ गिनीफॉल के अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बाकी बच्चों को मारती है मुर्गी के बच्चों को, सही है। तो ये चीज़ थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।